मेरे हिसाब से तो रामदास से बढ़िया कॉलेज ही। आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में इस कॉलेज को कौन से नंबर पर रखा? मेरे को ना यहाँ पे दर्द हो रहा है इससे। तो आज हम आए थे रामदास कॉलेज और हमें आज मिले हैं इंडियन एरिक भाई। भाई से मिलो, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत। तो भाई आज हम आपके कॉलेज में आए हैं, तो आप अपने कॉलेज के बारे में क्या बताना चाहोगे कुछ खास? भाई कॉलेज तो भाई आपको बताया कि अभी बहुत सारे रेसर्स लोग आने वाले हैं 16 तारीख से, और उनका ना भाई ड्रीम रहता है कि भाई नॉर्थ कैंपस है, भाई नॉर्थ कैंपस मिले बहुत है। मैं अभी नॉर्थ कैंपस मिले टॉप कॉलेज में, क्या रामदास का भी नाम आता है टॉप कॉलेज में। हमारी बस फर्स्ट ईयर यहाँ से निकल मतलब हो गई है, तो सेकंड ईयर में आने वाले सीनियर हो चुके हैं हम वैसे। कांग्रेचुलेशन ब्रदर, गुड। आज का वैसे लास्ट एग्जाम था एंड वो हो चुका है कंप्लीट। अब तो सीधा यहाँ से छुट्टियाँ पढ़ के सीधा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। एंड बाकी का कॉलेज बहुत बढ़िया, वैसे मजा आने वाला है, जो भी फ्रेशर लोग आने वाले हैं। हेलो हेलो, आप किस कॉलेज में हो? अब हम रामदास कॉलेज में, जैसे कि आप देख सकते हो। आप कौन सी ईयर में हो? मैं अभी जस्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए। आप सभी फर्स्ट ईयर में हो? ओके, क्या कोर्स कर रहे हो आप लोग? अभी हम कर रहे हैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। आप सब सेम? सब फ्रेंड्स सेम। ओके, तो आपका सीयूटी स्कोर क्या था? मेरा 758, 699, 702, 728, 737, 710, 715, तो रेंज करना पड़ेगा तभी तुम्हें नॉर्थ कैंपस के कोई कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें एक रामदास कॉलेज भी आता है। और जैसे कोई आइडिया दे सकते हो ओबीसी एससी एसटी क्या क्या कोटा है पहले? हाँ जी, देखो एक तो ओबीसी एससी एसटी डिफेंस कोटा और क्या कहते हैं फॉरेन कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, ये सब होते हैं। और इन सब की क्या ईडब्ल्यूएस, इन सब की अलग अलग कैटेगरीज है और सबके मार्क्स भी अलग अलग चाहिए। ऐसा मतलब कुछ में ज्यादा डिफरेंस है, कुछ में बिल्कुल। कुछ आइडिया बता सकते हो ओबीसी का कितना जाता होगा लास्ट? ओबीसी 730, 720 या ऐसे कुछ ला सकता है तो उसका मिल जाएगा। एससी एसटी में आप उसमें थोड़े 10-20 और एससी एसटी का राउंड रह जाएगा आपको 650 के अराउंड मिल जाएगा। जैसे कि अगर आर्मी कोटा लगता है तो अराउंड 570-650 के अराउंड में मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी का कंपैरेटिवली कट ऑफ कम जाता है क्योंकि उनके लिए स्पेशल सीट रिजर्वेशन है, तो उनको अराउंड 400 में भी मिलने का वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि रामदास में ना बहुत ज्यादा हाइप कर गया है यूट्यूब के कारण और भी चीजों के कारण, नॉर्थ कैंपस का बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं यूट्यूब वालों की वजह से कुछ ज्यादा इसकी कट ऑफ जा रही है? ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा यूट्यूब के कारण इस कॉलेज में अप्लाई किया। अगर बीकॉम का मतलब ऐसा है कि नंबर वन या नंबर टू में रखा है, जो बीकॉम का था जो हमारा स्पेसिफिक कोर्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 70,000 एप्लीकेंट्स थे उन सारे 16 लाख बच्चों सीयूटी वाले बच्चों ने जिन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम। मैक्सिमम सीट्स क्या? मैक्सिमम सीट्स हमारे कॉलेज में 120 हमारे कोर्स में। आप क्या कोर्स कर रहे हो वैसे? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स। कौन सी ईयर में हो अभी? अभी फर्स्ट ईयर हुआ है हमारा। आपका सीयूटी स्कोर क्या था? मेरा रॉ स्कोर तो 776 था, पर कम होके मेरा 742 हो गया था। 560, 650, 709। इस स्कोर में इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता था आपको? मिल जाता था, पर फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं मिलता। ऑब्वियसली मिल जाता, पर जैसे मुझे रामदास अलॉट हुआ तो मैंने फ्रीज कर दिया। मतलब मेरी जितनी भी इससे पास आउट है तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन कोई था नहीं, करा था ग्रेड वन। मेरे हिसाब से तो रामदास से बढ़िया कॉलेज ही नहीं। मिल जाता है, प्रेफरेंस इस पे डिपेंड करता है, उस चक्कर में ग्रेड नहीं हुआ वैसे हो रहा था। क्यों कनेक्शन देने आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, न्यू बिल्डिंग है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, एवरेज, नॉर्मल, ओके, कैंटीन कैसे? आई वुड डेफिनेटली से बिलो एवरेज, बेकार, बहुत बेकार कैंटीन है, यहाँ पे खाना भी उतना अच्छा नहीं मिलता। दयाल सिंह का कैंटीन इससे 1000 गुना बेटर है, मैं पर्सनली विजिट किया हूँ, मेरे को दयाल सिंह ज्यादा अच्छा लगता है एज अ कैंटीन के मामले। हमारा कैंटीन बहुत छोटा है। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी सी पुरानी है पर ओके है। बहुत कमरे हैं, न्यू बिल्डिंग अच्छी है। कमरे बंद भी रहते हैं, सारे खुले रहते हैं? ओ सारे खुले रहते हैं, जिसको जो करना है करो। देखो बिल्डिंग, जैसे कि हम कॉमर्स डिपार्टमेंट, क्विक, हमारी कॉमर्स डिपार्टमेंट में नई बिल्डिंग बनी है तो हमारे लिए तो वो बेटर होगी। बढ़िया है, सुंदर, न्यू बिल्डिंग है, बेटर है। एसी है, क्लासेस है, लाइब्रेरी में है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। हम डेफिनेटली चाहेंगे हो आगे के बच्चों के लिए भी, पर अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। लैब में बस, लैब में और कहीं नहीं है इसी वजह से। टीचर्स कैसे? टीचर्स हमारे मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हमें ना सपोर्टिव टीचर्स हैं। टीचर्स सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। Supportive काफी, और उसके बाद ज्यादा मतलब प्रेशराइज भी नहीं करते, लाइक जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और टीचर्स कैसे? टीचर भाई क्लास में तो जाते नहीं हो। एक मैडम है बढ़िया सी, और दो बार गए थे बढ़िया लगे। ठीक है, टीचर्स पढ़ाते अच्छे है। हॉस्टल आपके कॉलेज में? हाँ जी हॉस्टल है, पर हॉस्टल को अवेलेबल होने के हमारे लिए हमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और वो पूरा कट ऑफ का और मेरिट बेस्ड है। अच्छा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा आप? ओके, तो देखो नियरेस्ट हमारा है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, पर अगर किसी को रेड लाइन भी इजी पड़ती है जाना, वो पुलबंगर से जा सकता है। तो मतलब हमारे यहाँ से कनेक्टिविटी ऐसी है कि यहाँ से वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली सब तुम जा सकते हो। अच्छा, तो आपको अपना कॉलेज कितना पसंद है? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर कहे तो भाई कॉलेज के बारे में, कॉलेज तो बहुत बढ़िया है भाई,
जैसे नॉर्थ कैंपस में कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो उनमें से अच्छे कॉलेज में रामदास आता है और बहुत ही प्यारा कॉलेज है। और क्या है, फ्रेशर्स पार्टी भी होने वाली है बहुत सारी कॉलेजों में, और अलग अलग कॉलेजों में होती है ना, तो और मजा आता है वही जाने में, पूरे ड्यू में घूमने में, ऐसा ऐसा अलग अलग कॉलेज। तो ऐसा तो भाई आप तो चलो आउटसाइडर थे, तो जब आप नए नए इधर आए दिल्ली में, तो किस तरह की आपने प्रॉब्लम फेस करी? मैं कहा अभी एक सेपरेट बना अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि मेरा जर्नी क्या रही था पूरे, जब मैं अपने घर से यहाँ तक आया था कॉलेज तक, तो मैं क्या बीच में फेस करना पड़ा था, जैसे रहना खाना पीना कैसे होगा ये सब, पीजी वगैरह हॉस्टल वगैरह मैंने भी सर्च किए थे। लेकिन क्या है कि एक किस्मत अच्छी थी कि मेरे भैया ना वो यहाँ पे थे मतलब पहले से, तो मैं उनके यहाँ पर रुक गया था। उसके बाद मैं एक दो महीने रहा था उनके यहाँ, फिर मैंने चेंज कर लिया फ्लैट अपना। तो ऐसा है कि ये भी आने वाले हैं, तो उनको कंफ्यूजन हुई कि भाई कहाँ पर रहना पड़ेगा, आप घर ले, बहुत सारे लोगों को होती है भाई। तो आप लोग कहाँ रहते हो वैसे बेसिकली? मैं कोलकाता से हूँ, अभी मालवीय नगर में रहता हूँ फ्लैट। तो मंथली कितना एक्सपेंस आ जाता है आपका एवरेज? 17-18। फेस्ट होते हैं? फेस्ट यहाँ पे होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे पिछली बार इलेक्शन नहीं हुए थे तो इस बार नहीं हुआ। हिंदू कॉलेज में होते हैं फेस्ट वगैरह, अभी लास्ट आपके कॉलेज में नहीं होते? हमारे में 16-17 का हुआ था लास्ट। तो आपके कॉलेज का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ होता है? ऑन टॉप, बहुत पीस है, कुछ भी नहीं होता, पॉलिटिक्स है पर ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। फेस्ट होते हैं आपके कॉलेज में? फेस्ट मतलब जो आपने चीज पूछी है ना मेरे को ना, यहाँ पे दर्द हो रहा है इससे हमारे हम, मैं हिंदू के फेस्ट में गया था, मैं अलग अलग मैं DTU के फेस्ट में गया था, जहाँ पे मैं क्या कहते हैं NIT के फेस्ट में गया था, पर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? मैंने इतना सुना था कि फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, मैंने मोस्ट प्रॉबली किसी वजह से चुना भी हो सकता है, ठीक है शायद, मैं कहूँगा नहीं पक्का कि उसी वजह से चुना था, पर शायद, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी देखनी चाहिए कि हाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी जरूरी है, ये साल में एक बार होता है तो एक बार ही के लिए तो करा सकते हैं। यहाँ हंसराज की रोडी मल और रामदास फेस्ट होते हैं, दूसरों के इसमें हमारे में पहले 3-4 साल पहले शायद फेस्ट होते थे, अभी कोविड के बाद से शायद फेस्ट सब कैंसिल कर बता रहे, आगे होना चाहिए। लाइक अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके अंदर था कि पहले स्टूडेंट यूनियन थी हमारी, बट उसको तोड़ दिया, तो फिर बोला कि 3 साल में एक बार फेस्ट हो, बट लास्ट साल पर लास्ट कोविड से पहले हुआ था, ब्लड इस साल होना था बट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बट नहीं हुआ, इस साल देखो क्या हुआ। और मैंने बताया आप बहुत सुना कि यार आपके कॉलेज फेस्ट का बड़ा थोड़ा पंगस है। हाँ फेस्ट नहीं होते यार, क्या यार ऐसे क्यों हो रहा है यार? आइए मेरे से भी बोले थे लोग भाई कि फेस्ट वगैरह करवाओ यार रामदास ने। सही बात, वो ऐसा होता है कि मतलब क्या है अभी इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, उसके उसमें शायद कोई प्रोटेस्ट वगैरह करके बोले कि भाई फेस्ट वेस्ट करवाओ, क्या एनुअल फेस्ट भी नहीं हुआ था हमारा, और छोटे मोटे फेस्ट वगैरह भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, अभी मैं ये आपसे ईयर में हो ना जब से, हाँ जी वो भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी ट्राई कर सकते हैं कि अभी हो सकता है शायद इलेक्शन की वजह से हो जाए। हाँ मेल टू फीमेल रेशियो कैसा? ओके ओके, मेरी क्लास में कम होगा 10-15 out of 100 रेशियो से, क्या डंकी भी तो नहीं ये नई बात है बहुत कम है, मैथ्स का कोर्स है होता नहीं लड़कियों से, कोर्स में डिपेंडेंट है, इंग्लिश ऑनर्स में ज्यादा गर्ल्स का होता है, हमारे गर्ल्स हैं और जूलॉजी में फाइट भी होती होगी उनके साथ इंग्लिश ऑनर्स के साथ, लड़कों के साथ नहीं, इंग्लिश पढ़ता था लड़के इंग्लिश ऑनर के थोड़े स्वीट स्वीट है भाई की, भाई भाई से मिल लेना भाई आते कॉलेज में, भाई के साथ दोस्ती रखना। अच्छा बॉयज टू गर्ल्स रेशियो कैसा आपके कॉलेज का? नॉर्मल एवरेज है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बॉयज का रेशियो ज्यादा है गर्ल्स का कम है, मतलब जो आपने पूछा ना बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो, ये ज्यादातर डिपेंड कोर्सेज पे करता है, मेरे क्लास का यू कैन से दैट इट्स अबाउट 6:4 समथिंग लाइक दैट। रेशियो तो अच्छा है कॉलेज का ओवरऑल, रेशियो ठीक, कपल्स फ्रेंडली है कॉलेज आपका? बहुत ज्यादा रीता फ्रेंडली कपल मैंने आज है, कपल फ्रेंडली लवर्स पॉइंट है कोई कॉलेज? बहुत है, बस ढूंढने आने चाहिए आपको बताया मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैं ऑनर्स कोर्सेज के लिए तो एलिजिबल हुई नहीं, तो मतलब मेरे फर्स्ट पे रामदास कॉलेज ही था और मेरे को वही मिला फर्स्ट इसमें, सेकंड थर्ड मैंने किरोडीमल SGTP खालसा ये सब। मेरी 8th प्रेफरेंस थी रामदास कॉलेज, फर्स्ट मेरी हिंदू थी बीकॉम ऑनर्स, मेरी 12th प्रेफरेंस थी रामदास, एंड उससे पहले मेरे को ऑनर्स के कोर्सेज चाहिए थे तो उसके लिए SRCC था और हिंदू था, और अंडर 10th थी मेरी प्रेफरेंस रामदास कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स भी और बीकॉम भी, तो मेरे को अलॉट बीकॉम। मेरी 3rd प्रेफरेंस थी, मेरी फर्स्ट थी हिंदू और सेकंड लेडी शेरा। मैं ऑनर्स के लिए एक्चुअली एलिजिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम जब CUET का फॉर्म बना था उस टाइम लोगों ने किसी को गाइड करने वाला नहीं था, ऐसी बहुत लोगों ने गलती किया है कि गलत कॉम्बिनेशन के कारण वो हो गया था, तो मेरा जेनेटिक वाला कॉम्बिनेशन था तो मेरा बस बीकॉम के लिए मैं एलिजिबल था, मतलब कॉमर्स के कोर्सेज में, तो मेरा फर्स्ट किरोडीमल था सेकंड रामदास, मेरा भी वही ऑब्वियस फर्स्ट SRCC फिर हिंदू, टेन ईयर मेरा 7th था। तो भाई आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज था? भाई मेरा ड्रीम कॉलेज तो बेसिकली देखो क्या है कि नॉर्थ कैंपस में तो भाई सबको आना रहता है और सबसे टॉप कॉलेज उनको पता है कि हिंदू है भाई, स्टीफन से रामदास हंसराज वगैरह ये हैं,
लेकिन मेरा जब फर्स्ट लिस्ट में हुआ था ना, फर्स्ट राउंड में रामजस आ गया था, तो वहाँ से मेरा ड्रीम कॉलेज उठ गया भाई। रामजस भाई ड्रीम कॉलेज। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं? स्पेसिफिक नहीं, बस ऐसा था कि मुझे नॉर्थ कैंपस में जाना, क्योंकि वहाँ की वाइब ना थोड़ी अलग है। वहाँ की वाइब नहीं थी, वाइब वो चीज ना वो चाहिए थी। रेटिंग आउट ऑफ 10 कितनी देना चाहोगे? 6.5 पर्सनली। मेरा भी 6-7 ही रहेगा ओवरऑल। अगर आप 7.2 मेरे अकॉर्डिंग 8 7.5 7, क्योंकि ना मेन जो फेस्ट है वो करा दो यार, बाहर की चीजें थोड़ा हमें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, हमें सीखने को मिलेगा और कैंटीन सुधार दो, बस ये दो चीज दिक्कत है। 7.5। अच्छा रेटिंग क्या देना चाहोगे आउट ऑफ 10? रेटिंग भाई 10 out of 10। रेटिंग 10 out of 10 है अगर कॉलेज में आओ और किसी का सरनेम जाट या गुजर निकले तो भैया बोल देना। 10 out of 10।